ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। दोस्तों नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बहार रंग। आमंत्रित कलाकार हैं गायक पंडित डॉक्टर प्रकाश संगीत और इनके साथ हैं गायक डॉक्टर चैतन्य संगीत। आपसे बातचीत की है राजुल अशोक ने। लीजिए आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। रसिक श्रोता मित्रों नमस्कार। पंडित जी, हमने अब इस श्रृंखला के अंतर्गत अब तक राग बहार, राग बागेश्वरी बहार, राग भैरव बहार, राग हिंडोल बहार, राग बसंत बहार और राग कानड़ा बहार के विषय में बात की और आपने उनकी बड़ी सुंदर सुंदर बंदिशें सुनाई। आज जैसा कि आपने कहा था कि हम रागेश्वरी बहार के विषय में बात करेंगे, तो इस राग के विषय में हमें कुछ बताइए। रागेश्वरी बहार, ये तो एक तो दो रागों का मिश्रण हो गया, राग और रागेश्वरी और बहार। अब रागेश्वरी के बारे में बताएंगे तो ये खमाश थाट का राग है जी। खमाश थाट है वहाँ शुद्ध गंधार आ गया फिर, और बहार ये काफी थाट का है, वहाँ गंधार और निषाद कोमल है। अच्छा, फिर भी इनका जोड़, इनका मिश्रण बड़ा अच्छा भाता है इनका। रागेश्वरी का आरोहरो पहले हम देख ले। रागेश्वरी का आरोहरो इस प्रकार है। सा ग म ध नि सा नि ध म ग म रे नि द नि सा। अब इसमें शुद्ध गंधार निकाल के खाली आप कोमल गंधार डाल दो जी, तो बाहर के स्वर हो जाएगा उसमें। अच्छा। मा प ग के जगह मा प ग मा ने द नि सा नि प और पंचम डाल दो तो बाहर होता है। तो ये बड़ा अच्छा मिश्रण होता है रागेश्वरी बाहर का। सा मा मा प ग मा ने द नि प ने ने प म प ग म ने द ने सा ने प ग म द सा ने द ने सा ग म द सा। पंडित जी, ये राग दिन में या रात में किस समय गाया जाता है? रागेश्वरी और बहार ये दोनों का गाने का समय रात में ही है। अच्छा, तो अधिकतर ये रात में गाया जाता है। और जैसे कि बहार के जितने भी मिश्रित राग हैं उनमें बंदिशों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, तो नहीं, नहीं, खाली बहार में होता नहीं, सभी रागों में काफी बंदिशें, अच्छी अच्छी बंदिशें हैं कि खाली बहार या बसंत बहार, बसंत में हिंडोल में ऋतु का वर्णन होता है विशेष, उसमें बसंत का जी, ये फर्क है जी। सब रागों में बड़ी अच्छी बंदिशें हैं। तो रागेश्वरी बहार की आज कौन सी बंदिश हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे? सुनाइए, तो कौन सी बंदिश गाएंगे चैतन्य जी? बंदिश के बोल इस प्रकार हैं। स घन घन कुंजन बेलरिया फूल रही फूल बगियन भीतर डारन डारन में लरिया रुत बसंत बन श्याम सखियन संग में अति सोहत सहे लरिया। वाह वाह, लड़िया और सहेलरिया का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है पंडित जी। अब हमारे श्रोता और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसे कैसे रागेश्वर बहार को सुनने की जी। ठीक है। दा, 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 दा,
सघन घन को जना बेला
वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया इन बन बन कुंजती बेलड़ियों के साथ। एकदम कितना सुंदर वर्णन है और उतना ही सुंदर स्वर संगम इसका, बहुत सुंदर। पंडित जी, कल हम इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी लेकर उपस्थित होंगे, तो कल श्रोता मित्रों को हम किस राग के बारे में जानकारी देंगे? जी, इस श्रृंखला का समापन हम राग केदार बहार से करेंगे। तो कल श्रोता मित्रों आपसे फिर मिलेंगे और राग केदार बहार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे पंडित डॉक्टर प्रकाश संगीत जी से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला बहार रंग, ये थी 7वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे गायक पंडित डॉक्टर प्रकाश संगीत और डॉक्टर चैतन्य संगीत। आपसे बातचीत की राजू अशोक ने, तबले पर संगत की रामदास महात्रे ने, हारमोनियम पर प्रकाश चिटनिस ने और तानपुरे पर साथ दिया अनुराग नाइक ने। तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर और गणेश शिंदे का। चलने से पहले आपको बता दें, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। Da ba da ni da da, da ba da ni da.